सहाई मन का कौन सहाई मन का हर बिन कौन सहाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम टू टवजस डायरीज। अच्छा सी आप जी दवास्ते एक और इंटरव्यू दा वीडियो लेके आए हां। अच्छा सी उनानल इंटरव्यू लेन जा रहे हां जो छोटी उम्र विच ही बहुत संगता वास्ते इंस्पिरेशन बन चुके ने। थोड़े ही टाइम विच उन्होंने अपने कीर्तन दे राही बहुत संगत दा दिल मोह लेता है। हां जी असी गल कर रहे हां संगत दे चहिते कीर्तनिए भाई जगजीत सिंह जी बबीहा दिल्ली वाले। अहमदाबाद दी संगत ते तेओ फेवरेट बन गए ने। आओ उना नाल कुछ गल बात करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हां तवन सिंह। मैं हां जसकौर। मैं हां बबीहा। हां जी जी दा स्वागत है तब जस डायरी विच। आप जी दा जी भी आप जी दा संगत आप जीनू जानन नु बहुत उत्साहित है कि आप जी तैयार हो। हां जी बिल्कुल मैं रेडी हां प्रेस के तबला में। सब बढ़िया जी। हां जी आम तौर पे सारे कीर्तनी है अपने नाम दे पीछे सिर्फ अपने शेर दा नाम लगा देने पर आप जी पहले बबीहा लगाया उसका कारण की है। बबीहा पिताजी ने मेरा नाम रखा सीगा ते उसका कारण कुछ स्पेसिफिक नहीं हैगा। बस वो शब्द गाते सी बबीहा अमृत वेले बोलिया तो मेरा एक ब्रदर सीगा ते ओदी 11 साल की उम्र के डैथ हो गई सी ते उस तो बाद मेरा जन्म होया हू बहू मैं उन्होंने वर्गा ही हैगा बिल्कुल ते उस तो बाद वो जब पूरे हुए सीगे ते बबीहा अमृत वेले बोलिया तो अंदर सुनी पुकार वो शब्द हमेशा सुनते सी गाते सीगे ते उस दौरान जब मेरा जन्म होया तो पिता जी ने फिर मेरा नाम बबीहा रखिया जगजीत सिंह घर का नाम बबीहा रखिया जी। हाँ जी आप जी दे बचपन बारे कुछ दसो। आप जी दी बर्थ कद होई थी आप जी दा बर्थडे कद आंदा है। मेरा बर्थ आंदा जी 6 फरवरी 1997 ते बचपन की है अभी बचपन ही है मैं बच्चा ही है गल छोटा ही हां ते शरारती बहुत हुंदा सी मैं तुसी भी शरारती हो कि नहीं। मैं बहुत ज्यादा हुंदा सी ते बस इदा ही बीतता गया हूँ आप जी की सेवा कर रहे हैं जी। बचपन वधिया बीतया मेरा ते हुण भी वधिया चल रहा है। हाँ जी दिल्ली जी वजे वड्डे और मॉडर्न शहर विच रह के भी आप जी दा ध्यान कीर्तन वाले पासे कद और किवें लग्या। मेरे दादी जी कीर्तन करदे सीगे ते मेरे दादी जी भी हुण इत्थे नहीं हैगे हुण इस संसार दे विच ते उहनां करके बस मेरे वड्डे वीर जी आप कीर्तन करते सी ते मैं पहला तबला बजांदा सीगा ते 4-5 साल मैं तबला बजाया ते उस तो बाद मैं एक दिन इदा ही टीवी देख रहा सीगा ते वो समा सीगा कि मेरे वड्डे वीर जी नाल उस टाइम ते मैं किसी जथे नाल तबला बजांदा सी ते वो दौरान मैं टीवी देख रहा सी ते वड्डे वीर जी नाल कीर्तन कर रहे सी। कीर्तन करते करते वो कहिंदे कि भाई तू जोड़ी बजांदा तू तबला भी नाल दे नाल तू जोड़ी बजांदा तू नाल दे नाल शब्द कीर्तन भी सीख ते उस टाइम ते मेरा उन्हां दा जवाब मैं दिता कि नहीं मैनू कीर्तन नहीं करना मैनू जो शौक है तबले दा ते मैं तबला ही वजावांगा अगे भी कीर्तन बिल्कुल नहीं करना मैनू नहीं मैनू पसंद नहीं है जी। मेरे वर्डिंग्स जो उस टाइम ते सीगे ते उस तो बाद उन्होंने जबरदस्ती करके शब्द सिखाया ते जद उह शब्द सिखाया ते नैक्सट डे फिर हारमोनीयम पिया सी मैं इदां ही बैठा सी मैं सोचिया कि यार जिहड़ा शब्द सिखिया उह शब्द नूं ट्राई करदा ते जद उह शब्द मैं हारमोनीयम ते प्ले कीता वजाया उस तो बाद अपने आप ही एक अंदरों शौक चढ़ गया कि नहीं हुण वधिया करी जाना ते अपने आप फिर धीरे धीरे शब्द अपने आप कढ़न लग गया ते अपने आप मैं सीखता गया अगे भी सिखलाई कीती है जद ऑन स्टेज ते आए हां प्रोफेशनल बाकी बचपन जो इदां ही मेरा बीतिया जिवें अपने आप ही गुरु साहब ने कृपा कीती है जी। हाँ जी आप जी दी फैमिली बारे कुछ दसो। फैमिली बारे दसीए जी। अच्छा पिता जी हैगे ने मेरे माता जी हैगे ने ते असी 4 भैन भरा हैगे आ 2 सिस्टर मैनू मिला के 2 ब्रदर ते सारे अपनी जगह सब सैटल ने ते असी बस सेवा दे विच लगे हुए हैं बाकी सब गुरु साहब की कृपा है। दादी जी सीगे जो कि वो 2018 दे विच पूरे हो गए सीगे बिफोर कोविड दे विच ते पिता जी का भी काम अपना हैगा
ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਏਗੀ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਆਈਡਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਸਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਡੋਸਾ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਗਰ ਰਤਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੀਆ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਲੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।